नांदेडमध्ये हॉटेल ग्रँड प्लाझा फॅमिली रेस्टॉरंटचे उद्घाटन आमदार मोहन हंबर्डे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी नांदेड शहराच्या महापौर मोहिनी येवनकर, आमदार अमरनाथ राजूरकर, उपमहापौर मसूद खान व विविध काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते. हॉटेल व्यवसायक नांदेडच्या नावलौकिक व येथे पर्यटकांना योग्य ते दर्जाचे हॉटेल उपलब्ध व्हावे यासाठी एक पाऊल नांदेडकडे टाकल्याबद्दल हॉटेल व्यावसायिक शेख फारूक यांना आमदार मोहन हंबर्डे यांनी शुभेच्छा दिल्या. या हॉटेलचं वैशिष्ट्य म्हणजे या हॉटेलमध्ये गॅस न वापरता चुलीवर 14 व 24 जेवण उपलब्ध असल्याची माहिती हॉटेल व्यावसायिकांनी दिली आहे. ग्रँड प्लाझा आताच आपल्या नांदेडचे महापौर येवनकरताई यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले आहे. खरोखरच ग्रँड प्लाझा ह्या हॉटेलच्या मध्ये जाऊन बघितला असता आज नवा एक नांदेडमध्ये नाही नव्या प्रकारची हॉटेल बसून जेवण करण्याची व्यवस्था एक पद्धतशीर ज्या प्रकारनं जेवण खाली बसून करता येते त्या प्रकारचं जेवण इथं भेटणार आहे. आणि आता गॅस न वापरता सगळं कोळसा आणि लाकूड याच्यावर सगळं स्वयंपाक जेवण भेटणार आहे. आणि खरोखरच ही हॉटेल आज आपल्या नांदेडमधील आरबीएन हॉटेल आज ह्या ठिकाणी नव्या कन्सेप्ट त्याप्रमाणे खोलली आहे. आणि इथं बाहेरून जे विमान बाहेरून एअरपोर्टी जे माणसं येतात खरोखरच इथं आल्यानंतर पहिल्या हॉटेलमध्ये नवीन आपल्या पाहुण्याला जेव घालून गेला ते असा आनंद वाटेल आणि आम्हालाही त्या सुविधा होईल. या ठिकाणी पुन्हा एकदा हॉटेल मालकाला नाम शेख फारूक भाईंना माझ्यातर्फे शुभेच्छा देतो आणि त्याच्या पुढील कार्यास भयंकर शुभेच्छा मानतो. नांदेडमध्ये ग्रँड प्लाझाचं ओपनिंग झालं. या हॉटेलमध्ये महाराष्ट्रीयन संस्कृती आणि अरबियन खाद्यफूड यांचा दोघांचा समय घालून खूप सुंदर रीतीने हॉटेल तयार झालेलं आहे. नांदेडमध्ये आपलं पहिलंच एवढं छान महाराष्ट्रीयन पद्धतीने बसण्याचं हॉटेल तयार झालेलं आहे. परत याच्यामध्ये जे खाद्य संस्कृतीची जी मेजबानी आहे ती संपूर्ण अरेबियन फूड्स आहे. त्याच्यामुळे नांदेडकरांना एक नवीन पद्धतीने इथे पदार्थ खाण्यासाठी मिळणार आहे. परत संपूर्ण करोनाचे जे नियम गव्हर्नमेंटने लागून दिलेले आहेत त्याच्या संपूर्ण नियमाचं पालन करून ते हे हॉटेल हॉटेलमध्ये येणाऱ्या कस्टमरांना ते सेवा देणार आहेत. परत तिथले जे कर्मचारी आहेत त्यांचेसुद्धा त्यांनी नेहमीप्रमाणे आपले सोशल डिस्टन्सिंग परत त्यांचे जे नियम आहेत मास्क वगैरे त्याचं संपूर्ण नियमांचं पालन करून ते हॉटेल चालू केलं आहे या बाईंनी. आज मी त्यांना शुभेच्छा देते आणि परत नांदेडमध्ये नवीनच त्यांची लवकरच नवीन शाखा सुरू करावी याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देते. फारूक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ग्रँड प्लाझा का उद्घाटन महापौर के हाथ से हो गया है. और फारूक भाई से इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपने यहाँ चौकी का खाना रखे है अपने नांदेड़ में नहीं था पहले, चौकी खाना भी हो गया है. और खाली डिस्टेंस रखते हुए अच्छे से अच्छे आइटम तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह ये होटल बेहतरीन चलेगी. और हमारी भी तरफ से हम दुआ करते हैं कि इनकी होटल बहुत बेहतरीन चले. और बाहर से जो लोग आए वो आगे आपकी होटल में आए और आपकी होटल को देख के और खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह. आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, उसका शुक्र है, उसका फजल है. हम लोग की काफ़ी सालों से कोशिश थी नांदेड़ शहर में इस तरह की एक ऐसी होटल बनाया जाए जहाँ पूरे हर फूड कोर्ट का एक जंक्शन हो, जहाँ हर किस्म का खाना मिले, अरब का खाना मिले, इंडियन मिले, चाइनीज़ मिले. उसी तर्ज पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से आज अमल में आया है ग्रैंड प्लाज़ा फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से. हम लोग के पास हर किस्म के खानों का इंतज़ाम रहेगा, अरबियन, इंडियन, चाइनीज़, फास्ट फूड सबका इंतज़ाम किया गया है. और यहाँ बनाने के लिए जो कुक रहेंगे वेल एक्सपीरियंस्ड कुक रहे यहाँ पर, जो अरबियन डिशेस रहेंगे, इंडियन डिश रहेगा, चाइनीज़ के लिए सबके लिए सेपरेट सब. और खुसूसी यहाँ फैमिली सेक्शन के लिए इंतज़ाम किया गया है, फैमिली के लिए पर्दे का इंतज़ाम किया गया, उनके लिए जो जो फैसिलिटी चाहिए, सहूलत चाहिए उसका काफ़ी ध्यान रखकर इंतज़ाम किया गया. अंदर का इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं, ऐसा लगेगा कि आप आउटिंग पर जाकर या खाना वगैरह खा रहे हैं वैसा आप फील करेंगे अंदर के इन्वायरमेंट में. मंदिर के शौकीन निज़ामबाद हैदराबाद जा रहे हैं, कुछ अरबियन खाने के शौकीन हैं, यहाँ से काफ़ी दूर जाके 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जाके जो खा रहे हैं. हम सऊदी अरब के पैटर्न में, खतर, दुबई, ओमान के पैटर्न में उसी तरह की यहाँ पर होटल बनाए हैं. और हम नेचुरल फूड जो
मंदी या खपसा रहेगा, जिसका बनाने का नेचुरल तरीका जो है उस अंदाज़ में हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। नांदेड़ के अवाम के लिए हम खिदमत के लिए खिदमत की गुजारिश करते हैं, आप हमारे पास आए, इंशाल्लाह खिदमत का मौका दें। हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए फैसिलिटी, पर्दे का इंतज़ाम लेडीज़ के लिए, और कुछ यहाँ पर यंग जनरेशन से जो पार्टीज़ के लिए शौकीन हैं, पार्टीज़ करना चाहते हैं, जो डॉक्टर्स है, एजुकेटेड वकील्स वगैरह हैं, उनके लिए एक सेपरेट पार्टी हॉल का सेक्शन का इंतज़ाम करा गया करें इंशाल्लाह। नॉनवेज के लिए एक सेपरेट सेक्शन है, जिसके लिए बनाने के लिए जो कुक है वो नॉनवेज का एक सेपरेट रहेगा, उनके जो चीज़ें इस्तेमाल में आएगी बर्तन वगैरह वो हर चीज़ उनका सेपरेट है, उनका सेक्शन भी सेपरेट रहेगा नॉनवेज के लिए। जैसे डिशेस में इंडियन है, मुगलाई है, कबाब में है, नॉनवेज में आपके पनीर के आइटम्स वगैरह जो है वो भी रहेंगे, और आपके कबाब के लिए तंदूरी रहेगा, मंदी है अरबियन में मंदी, खबसा, फहम, शवैया, जो नेचुरल डिशेज है जो सऊदी अरब बाहर कंट्री में चलते हैं वो हम यहाँ लाने की पूरी कोशिश करें। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जो पहले दिन से जो चीज़ रहेगी इंशाल्लाह आखिरी तक वही कोशिश करेंगे, यहाँ की खिदमत करने की कोशिश करेंगे कस्टमर्स के लिए, और सफाई का खुसूसी सफाई का आज पर फर्स्ट डे में जो रहेगा इंशाल्लाह आखिरी हमेशा यही इंतज़ाम रहेगा सफाई के लिए, क्लिनिंग के लिए।